इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मबैन 5 नवंबर को नेल्सन में खेले गए तीसरे T20 मैच के दौरान फोर्थ अंपायरिंग की खिदमत सर अंजाम देने वाले गार्थ स्टेनर का फाश फिल्मों के साबिक अदाकार होने का शर्मनाक इंकशाफ हुआ है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 14 रन से कामयाबी हासिल की थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 51 साल गैरेथ स्टेनर फाश फिल्मों में स्टीव पार्नल के नाम से अदाकारी करते थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी अंपायर गैरेथ के इस शर्मनाक माजी के बारे में जानते थे और उन्होंने बरतानवी क्रिकेटर्स को भी अपने माजी के बारे में बता रखा था। स्टेरिड को 10 साल पहले उस वक्त न्यूजीलैंड प्रोफेशनल गॉल्फ एसोसिएशन के सीईओ के अहदे से हटा दिया गया था, जब एसोसिएशन को उनके शर्मनाक माजी के बारे में इल्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने बतौर क्रिकेट अंपायर अपने करियर का आगाज़ किया और अब तक कई वेमेंस इंटरनेशनल मैचेस में भी अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं और अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मबैन T20 मैच में भी उन्हें अंपायरिंग करते देखा गया है। मज़ीद नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।